हेलो एवरीबॉडी, शादाब, रज़ा, फैजल, अर्शिया शेख, राबिया, आ जाओ पहले, सब लोग आ जाओ, सब लोग आ जाओ। आज बहुत सारी बातें करते हैं, पहले आप लोग आ जाओ, पहले आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, फिर बातें स्टार्ट करेंगे। जब 2200 के पार हो जाएंगे तब बात करेंगे कुछ। वेट कर रहा हूँ मैं अभी अभी और। लोग को आने दो, मतलब 2500 तक लोग आ जाएंगे फिर बात करेंगे। आ जाओ पहले सब लोग। कुछ बातें मुझे बतानी है आप लोगों को। हाँ जी, हाँ जी, मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा। आ जाओ पहले सब लोग। अलीना मेरे दोस्त, कैसा है तू? अलीना लिख रही है आई एम नॉट योर गर्लफ्रेंड। हाँ पता है, बोलो सबको। गाइस भाई, मुझे सिंगल ही रहने दो। आई मीन कैसी बात कर रहे हो, किसी से भी मेरा नाम जोड़ दे। फिर इतने टाइम के बाद हम लोग मिले क्योंकि हम लोग को एक ही गाना साथ में करना था। जो हमारा गाना आ रहा है अलीना का और मेरा जो गाना आ रहा है उसका नाम भी मैं बताऊंगा बहुत जल्दी, अनाउंस करने वाला। ओके, पुअर कनेक्शन आई गेस। तो अलीना लिख रही है कि पागल कर दिया तुम्हारे फैंस ने। आई एम रियली सॉरी अलीना, मैं उनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। प्लीज गाइज, ऐसे भी किसी को यार, ऐसे क्या पता उसकी कौन सी पर्सनल लाइफ में कौन है, क्या है, नहीं है, या उसके क्या प्लान्स है लाइफ में। किसी को भी किसी से मत जोड़ा करो यार। और हर चीज़ एक ही रिलेशन नहीं होता, एक बहुत अच्छी दोस्ती भी होती है, एक अच्छा बॉन्ड भी होता है, एक फैमिली रिलेशन होता है। और सॉरी सॉरी सॉरी, कॉल आ गया था। तो हम लोगों ने काफ़ी टाइम के बाद हम लोग मिले हैं, काम किया है, हम लोगों ने साथ में गाने किए हैं और पोस्टर भी रिलीज़ हो रहा है। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मतलब जैसे एक चड्डी बड्डी होते ना वैसे टाइप, और मेरी माँ की तरह है यार। वो मुझे सिखाती है चीज़ें, मतलब बच्चे की तरह मुझे डांटती भी है कभी कभी। तो यार कुछ भी किसी को भी ऐसे नहीं बोलना चाहिए, राइट? और हाँ, मैं जैसा अकेला खुश हूँ मैं खुश रहूँगा, मुझे अकेला ही खुश रहने दो। प्लीज़ प्लीज़ मेरा नाम किसी से मत जोड़ना और ना जोड़ो, क्योंकि अगर मैं किसी से प्यार करता हूँ तो मैं दिल खोल के करता हूँ और पूरी दुनिया के सामने करता हूँ, और अगर मैं अकेला होता हूँ तो मैं अकेला होता हूँ। मेरा सीक्रेट कोई रिलेशन नहीं होता, ना मुझे रखना कोई सीक्रेट रिलेशन। तो भाई और मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे व्यूअर्स, मेरे फैम, आपसे रिक्वेस्ट है मेरा नाम ऐसे किसी से ना जोड़ा जाए। और वैसे भी मैं अभी बहुत सारे कोलैबोरेशंस करने वाला हूँ, लाइक मेरे पास, मुझे
मुझे वीडियोस बनाने के लिए कोई ना कोई तो वीडियो पार्टनर चाहिए होता है ना। मतलब अभी मुझे कॉन्सेप्ट बनाना है, आज मैं क्यों बैठा हूँ पता है, अकेला मैं क्यों वीडियोस नहीं डाल पा रहा हूँ, मैं क्यों एक्टिव नहीं हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट बनाने के लिए कोई ना कोई साथ में होना चाहिए, अकेला नहीं बना सकता मैं। तो कभी अलीना के साथ बना लेता हूँ, एक मेरी फ्रेंड है यहाँ पे ही ना, उसके साथ बना लेता हूँ, और भी दो चार लोग हैं, अभी मैंने किसी के साथ बनाए नहीं, बट बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ अलग अलग लोगों के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ वीडियोस बनाऊंगा। लव कॉन्सेप्ट भी होंगे, सैड सैड तो मैं अवॉइड ही करूँगा, फनी भी होंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी के साथ वीडियो बना रहा हूँ तो वो मेरी गर्लफ्रेंड है या फिर कुछ भी, यार कुछ भी, दैट्स माई वर्क, मेरा प्रोफेशन है, मैं काम करता हूँ सबके साथ, मुझे काम करना भी है और करना भी पड़ता है, राइट? तो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स, माई वर्ड्स। आई एम जस्ट डूइंग माई वर्क और कुछ नहीं। और हाँ, चंडीगढ़ में मेरे कुछ गाने बन रहे हैं, मेरे कुछ गाने शूट होने वाले हैं और भी, तो बैक टू बैक यहाँ पे थोड़ा काम है, तो मैं बार बार मुंबई से ट्रैवल नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने डिसाइड किया है मैं कुछ टाइम इधर रहूँगा, कुछ टाइम उधर रहूँगा। तो अभी मैं यहाँ से काम फिनिश करके वापस फिर मुंबई भी जाऊँगा, फिर वापस आऊँगा, तो मेरा भी ये चलता रहेगा। बहुत अच्छी चीज़ें आ रही हैं, बहुत बड़ी चीज़ें आ रही हैं, ट्रस्ट मी गाइस। मतलब पहले जो भी आया वो सो आया, बट अब जो भी आ रहा है वो बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत बड़ी चीज़ें आ रही हैं। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, आई एम डूइंग माई हार्ड, जो भी हो सकता है, जितना हो सकता है। और आपके लिए बहुत अच्छे सरप्राइजेस भी हैं जो मैं देने वाला हूँ। और एक ही क्वेश्चन मत पूछो सब, मैं इन इस बात का कोई शायद ना जवाब दे पाऊँगा ना कर पाऊँगा बात। इट्स जस्ट दैट मैं आप लोगों से प्यार करता हूँ, आप लोग मुझसे प्यार करो, थर्ड पर्सन इंक्लूड मत करो कोई भी। आपको जिससे प्यार करना आप कर सकते हो, आपको जिसके साथ रहना है आप रह सकते हो, बट अगर मैं आपके सामने हूँ तो प्लीज़ आप, यू नो, यू एंड मी, यू गाइज एंड मी, मेरे व्यूअर्स, मेरे फैंस, मेरे फैमिली, मेरे प्यार, मेरा सब कुछ आप हैं, आप और मैं, हम लोग बात करेंगे ऐसे। कुछ बातों के मैं नहीं जवाब दे सकता, आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। हम लोगों की भी राइट, मतलब इंसान की, हर इंसान की एक पर्सनल लाइफ होती है, कुछ पर्सनल इश्यूज होते हैं, कुछ चीज़ें वो नहीं चाह के भी बोल सकते, तो उस चीज़ को ना ही खुरेदा जाए या ना ही बोला जाए। और मैंने आपको बोला भी था, लास्ट स्टोरी थी मेरी, कि मैं इस टॉपिक पे कभी लाइफ में ना बात करने वाला हूँ, ना कुछ बोलने वाला हूँ, और ना कुछ लिखने वाला हूँ, और ना कुछ कहने वाला हूँ, बस मैं आगे काम करने वाला हूँ, नए काम करने वाला हूँ, अच्छे काम करने वाला हूँ, आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए। और अगर आप लोग प्यार करते हो ना, तो आपको हर सिचुएशन में प्यार करना आना चाहिए। अगर मुझे आप लोगों की ज़रूरत है तो आप लोगों को उस टाइम भी मुझे प्यार करना चाहिए, और जब ज़रूरत नहीं है तब भी मुझे आप लोगों को प्यार करना चाहिए, क्योंकि मैं आपको हर सिचुएशन में प्यार करता हूँ, मेरे हर फेज़ में, चाहे मैं हैप्पी हूँ, चाहे मैं सैड हूँ, चाहे मैं, मेरी लाइफ में कितने भी कुछ भी हुआ है, मैंने हमेशा आप लोगों को एंटरटेन किया है, खुश रह के आप लोगों के साथ रहा हूँ, आप लोगों को अच्छे मैसेज दिए हैं, अच्छा मोटिवेशन दिया है, चाहे मैं अंदर से कितना भी खुश हूँ या कितना भी टूटा हुआ हूँ, बट मैं आप लोगों को हमेशा से खुश देखना चाहता हूँ। तो प्लीज़ मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरी भी हर सिचुएशन में आप लोग मेरे साथ खुश रहिए और मुझे अपना प्यार दीजिए। आई लव यू गाइज।
चलो ऐड करते हैं, आप लोगों से बात करते हैं। ओके, तो ऐड किसको किया जाए? आलू कहाँ गई? अलीना आ रही थी, चली गई। मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो? सब लोग व्हाट्सअप पाजी, कैसे हेलो। हो? हाँ, हो गया आ जा। वैष्णवी, हरिका, साहिर, हम्मू, मैंने किसी को ऐड किया था शायद, वो ऐड नहीं हुआ आई गेस। ठीक है, आलू वो यार बंद हेलो, काफी व्हाट्सअप। अंधेरा हो रहा है यार। तुम्हारे फैन पेजेस ने, तुम्हारे फैंस ने मुझे पागल कर दिया है। इतना हेट कोई बिना जाने कैसे दे सकता है किसी को? बोलो आपको जो प्लीज बोलना सबको अभी है। बताओ, प्लीज सबको अभी बताओ कि हम चड्डी बड्डी है, हम दोस्त है। मैं कोई तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। मैंने कोई सना और तुम्हारे बीच में कुछ भी नहीं डाला, कोई भी फूट वूट नहीं नो डाला, कमेंट। या मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं मैं सिर्फ तुम्हें जानता हूँ और हम दोनों अपनी बात करेंगे। है। यस बाकी भाई, ये मैं क्या ही हाँ, आई बोलूँ, डोंट मैं क्या ही बोलूँ, इसको मैं इतना मारूंगा, ये मेरी दोस्त है। हम लोग बहुत हाँ, पुराने दोस्त प्लीज हैं, हम बोल दो लोग तीन सबको। साढ़े एंड तीन साल से हैं, बट ये है कि मैं हम लोग बस थोड़ा इतना दूर। कहना चाहती हूँ कि लोग कमेंट्स में कुछ भी बोले, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि यू आर ए जेम ऑफ अ पर्सन। और तुम्हारे साथ रही हूँ, हम दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे वक्त में रहे हैं। और चाहे आई नो कल को अगर मेरा भी बुरा वक्त आता, तुम मेरे साथ खड़े रहोगे। और तुम्हारा अच्छा वक्त हो, बुरा वक्त हो, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम मेरे दोस्त थे, हो, हमेशा रहोगे। और चाहे सब तुम्हारे खिलाफ हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तो स्वीट ऑफ यू, इतना मारूंगा ना भाई, इसकी ना इसका कोई और क्रश है, प्लीज इसको मुझसे मत जोड़ो। मैं सिंगल ही ठीक हूँ, मैं सिंगल ही ठीक हूँ। मेरी लाइफ में कोई भी ना हो, मैं उसी में खुश हूँ। मैं सिर्फ काम करती हूँ। काम पे ध्यान दो दानिश। मैं और मेरा काम, यस, मेरी गर्लफ्रेंड और मेरा प्यार अभी सिर्फ मैं। ये दोनों हिना, शान, सकार, सब लोग, जेरी, हिना, ईशान, सकार, हम सब यहाँ पे हैं। हम पहुंच रहे तुम्हारे पास थोड़ी देर में, थोड़ी व्हाट्सअप गाइस, देर में। बस आज की रात है। दानिश, मैंने फर्स्ट हाँ कट जी, देख लिया है ही लव्स मी का, और तुम बहुत अच्छे लग रहे हो उसमें, हाय, बहुत अच्छे। गाना बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छी लुक आई है सॉन्ग की। आई एम वेरी हैप्पी। क्या पहली ये बार देखो तुमने गाइस, मेरी इसके सिखाई हुई एक्टिंग अच्छे से की। ओह, नो कमेंट्स, नो कमेंट्स, आई एम नो सो कमेंट्स। प्राउड ऑफ यू। तो तुमने एकदम गाइस, ऐसे एक्ट किया जैसे मैंने सिखाया था तुमको। इसने नाम बता ही दिया गाने का, मैं तो सोचा था बाद में बताऊंगा। तो गाने का जो नाम है वो है ही लव्स मी। यस, गाने का टाइटल है ही लव्स मी, गाने का टाइटल है ही लव्स मी, यानी गाने का टाइटल है। गाने का टाइटल है ही तो लव्स मी। कोई, यस यस, बहुत प्यारा गाना है, बहुत प्यारा, आलू ने बहुत अच्छा गाया और मैंने बहुत अच्छा वीडियो में परफॉर्म किया है। ओ, पीछे से आया नहीं। अच्छा, अब अभी ना लगाने जा रहे।